बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ मछली का सालन, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार लजीज बनेगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही मुख्तलिफ तरीका है, यूट्यूब पर शायद पहली बार ऐसा है। तो जब हम मछली का सालन बनाते हैं तो उसकी बोटी जो है वो कुछ फीकी फीकी सी होती है, उसमें मसाला जो है वो अंदर तक रचा हुआ नहीं होता। तो उसी को जो है उसका हल निकाला जो है, ये मैंने इस तरह है कि फ़िश मैंने ले ली है, इसको मैंने धो लिया है। धोना जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, सिरका और नमक डालकर मैंने रखा उसको और फिर आटा मलकर उसको धो लिया, जिसकी वीडियो जो है वो मेरी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। और उसको पानी निचोड़ के अच्छी तरह खुश्क कर लिया, तो ये मछली धुल चुकी। ठीक है, अब जो मसाले हम इसमें लगाएंगे उसमें है जी ज़ीरा पाउडर आधी चाय के चम्मच है, और ये है अजवाइन का पाउडर आधी चाय के चम्मच है, लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय के चम्मच है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मेरी जो लाल मिर्च है इस वक्त, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना लाल है, तो ये बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैं थोड़ी कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर है गर्म मसाला पाउडर आधी चम्मच, और नमक भी आधी चम्मच लिया है, क्योंकि नमक हमने इसको धोते वक्त भी अच्छा खासा लगाया है और मछली पहले से भी नमकीन होती है, तो आपने पकाते वक्त और मैरिनेट करते हुए नमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, इन तमाम मसालों को जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। आजकल मछली का सीज़न है और मछली बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो खानी चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा खाएं, बच्चे ज़हीन भी होते हैं, आपकी स्किन और बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और गर्म भी होती है मछली, जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत फ़ायदा देती है। तो हमने ये मसाला इसमें तमाम डाल दिया, मैं यहाँ रख लेती हूँ। और यहाँ पर हम डालेंगे सिरका, ठीक है जी, ये सिरका मैंने डाल दिया। सिरका आप हसबे ज़रूरत ले लें और मसाले को तमाम मछली पे अच्छे से लगा दें। अच्छा, सिरका जो है ना वो आपने इतना लेना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए, मसाला जो है बस वो गीला होकर मछली के ऊपर अच्छी तरह लग जाए, चिपक जाए, ठीक है ना। हम इस पे बेसन वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसका सालन बनाना है, तो सालन में जो है वो बेसन वाली मछली जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम तमाम मछली के पीसेस पर इस तरह मसाला लगाकर इसको मैरिनेट होने के लिए एक घंटा छोड़ देते हैं। एक घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, जब तक हमारी मछली जो है वो मैरिनेट हो रही है, मैंने इसको दो तीन दफ़ा ऊपर नीचे कर दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह रच जाए इसमें। मैंने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लिया है, या आप दो अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। चार अदद मैंने हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। इन दोनों को मैं ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लेती हूँ, यानी प्याज और हरी मिर्च का। और लहसुन अदरक है मेरे पास यहाँ पर, तकरीबन आधा गट्ठा मैंने लहसुन का लिया है, और छोटी सी एक टुकड़ा है अदरक का, इसका भी मैं अलहदा से पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तकरीबन एक घंटा गुजर चुका है और देखें मछली ने पानी अपना भी छोड़ दिया है काफ़ी सारा, और ये मैरिनेट हो चुकी है अच्छे तरीके से। मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, साथ ही लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है, बाकी तैयारी कर ली है, और इसके बीच में मैंने आटा भी गूँ लिया था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रखा है घी गर्म होने के लिए, हसबे ज़रूरत। तो घी जब गर्म होता है तो हम मछली को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि मछली को हमने कितना फ्राई करना है और किस तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि मछली को जो है ना हमने सालन में भी पकाना है, तो हमने रवायती तरीके से मछली को फ्राई नहीं करना, ठीक है जी। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मछली का सालन इंतहाई लजीज बनेगा, जो खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, और आप हमेशा इसी तरीके से सालन बनाएंगे। एक गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हेल्प करें मेरी, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। और हमारा घी जो है ना हो चुका है गर्म, तो हम स्टार्ट करते हैं मछली को फ्राई करना, और फ्लेम को जो है ना फुल गर्म करने के बाद फ्लेम को हमने मीडियम रखना है।
सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ और फिश को जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के चम्मच से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको दोनों तरफ से तकरीबन दो दो मिनट फ्राई करना है। फुल फ्राई हमने नहीं करना है इसको। फ्लेम को जो है हमने देखिए मीडियम रखा हुआ है। प्याज के साथ पलट दें उसके बाद। ये देखें और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि हमने मछली को कितना फ्राई किया है। जी तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मछली को फ्राई होते हुए, तो अब हम निकाल लेंगे फिश को। ये देखें बस हमने फिश को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि इसने सालन में भी पकना है अभी, तो हम मछली को इतना ही फ्राई करेंगे। तो हम तमाम पीसेस जो हैं इसी तरीके से फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं। मछली जो है वो चम्मच पे भी चिपक गई है, इस वजह से थोड़ा चम्मच ये देखें ख़राब हो गया, तो इसको मैं साफ कर लूँ तो बाकी पीसेस कर लूँ मैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मछली के पीस हमने हल्के हल्के से फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर जो है ना उसी कढ़ाई में मैंने बाकी का ऑयल जो है वो मैंने निकाल दिया है साइड पे और थोड़ा सा ऑयल जितना मुझे ज़रूरत है मैंने ले लिया है। अच्छा इस ऑयल का क्या करना है, इस ऑयल से आप चावल बना सकते हैं, किसी भी किस्म के चावल बना रहे हैं ये वाला ऑयल यूज़ करें, इंतहाई मज़े के चावल आपके बनेंगे, बहुत मज़े की खुशबू आएगी जैसे आपने फ़िश बिरयानी बनाई है, या बच्चों को इसमें फ्रेंच फ्राइज़ बना दें और उनको मतलब इससे सेहत भी मिलेगी और ये फ़ायदेमंद है, ये घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसी में आप उनको पराठे भी बना के दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, अच्छा घी गर्म हो गया है तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करते हैं और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब आप पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं प्याज का, तो आपको पहले लहसुन अदरक को फ्राई करना है और अगर आप प्याज को ब्राउन करके बनाएंगे तो फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, क्योंकि प्याज जो पेस्ट बनी होती है उसको ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हम पहले लहसुन को फ्राई करते हैं। तो 1 मिनट तकरीबन लहसुन को हो गया है फ्राई होते हुए और यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है मैं वो शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये देखें ये शामिल कर दिया। अब इसकी हमने अच्छी सी भुनाई करनी है कलर चेंज होने तक और इसका जब तक ऑयल छूट ना जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। तो इसको जब ये रेडी हो जाएगा मसालों के लिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का पानी खुश्क हो गया है और घी भी देखें साइडों से छूट गया है इसका और ये तकरीबन भून चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, लेकिन पहले हम इसमें दही डालेंगे। पर तकरीबन मैं 100 ग्राम दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करूँगी। अच्छा दही जो है ना हमेशा आप मसालों से पहले डालें, क्योंकि घी में अगर आप मसाले डाल देंगे तो घी जो है ना वो मसालों की खुशबू और जायका जो है वो अपने अंदर ही जज्ब करेगा, मतलब उतनी अच्छी खुशबू और जायका नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। तो पहले आप दही शामिल करें और उसके बाद फिर आप मसाले शामिल करें, इस तरह मसालों का जायका और खुशबू जो है वो उभर के आएगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल जो मसाले मैं शामिल करूँगी उसमें नमक जो है वो आपने बहुत ध्यान से डालना है, बहुत ही कम मिकदार में डालें, क्योंकि मछली को धोते वक्त भी नमक लगाया है, मछली बजाते खुद भी नमकीन होती है और हमने मछली को फ्राई करते हुए भी नमक लगाया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, आधी चाय की चम्मच तकरीबन, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चुटकी मैंने कलौंजी ली है, 1 चाय का चम्मच के थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मैंने आपको बताया है कि ये मिर्च जो है मेरी बहुत तेज़ आ गई है दफ़ा, तो जितनी भी कम डालूँ सब सीसी ही करते हैं, और चुटकी ली है मैंने अजवाइन की। ठीक है, ये तमाम मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल दिए मैंने
और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद जो है थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले जो हैं वो इसी प्लेट में डालते हैं ताकि मसाले जो इसमें लगे हुए हैं ये भी इसमें फुल मिकदार में चले जाएं। अच्छा, पानी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाले जले ना, सालन का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। या आपने ध्यान रखना है बिल्कुल किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है, जब भी मसाला भुने फ्लेम को कभी भी हाई ना करें, मीडियम से फ्लेम पे जो है मसाले को फ्राई करें और बल्कि मीडियम से भी कम ही रखें तो आपका मसाला बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो कि यहाँ पर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पानी का छींटा लगाकर मसाले को फ्राई करें। अब हमने दोबारा से इसका घी छूटने का इंतज़ार करना है, मसाले को फ्राई करना है। मिलती हूँ फिर कुछ देर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है और घी भी इसका जो है वो अलग हो गया है। तो हम यहाँ पर जो है हसब ज़रूरत जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने इसमें कितना पानी शामिल किया है। जी तकरीबन इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको हमने अभी बॉयल आने देना है। लेकिन बॉयल आने से पहले हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जी, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया और इसको जो है हम मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी जो मैं मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ। जी, तो वो है लीमू, लीमू का रस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल आधा लीमू का रस शामिल करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरा लीमू भी डाल दूँगी। आप भी हसब ज़रूरत डालिए और इसको मिक्स कर दें अच्छे से, ठीक है। और अब हम इसको बॉयल आने देते हैं। आ गया है, अब हम इसमें एक एक करके आराम से फ़िश को शामिल कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल एहतियात के साथ आप इसमें फ़िश शामिल कर दें। और इसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत ही नाजुक होती है, ठीक है। आपके चम्मच जैसे हम आम गोश्त सब्ज़ी बनाते हैं, अगर उस तरह हमने चम्मच चलाया तो फ़िश जो है वो हमारी टूट जाएगी, ठीक है। और मुकम्मल तौर पे जो है इसको सही पकाने के लिए हमने अब इसमें चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है। यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपका नमक जो है वो ठीक है तो आपको ज़रूरत नहीं है डालने की। अब देखें, कपड़े से पकड़ें और इस तरीके से ऐसे करके और हिला दें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपने सिर्फ कपड़े से पकड़ के कढ़ाई को हिलाना है। अब हम इसको ढक देते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट और फ्लेम जो है वो बिल्कुल हमारा लो होना चाहिए। ये देखें, 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ कि हमने फिर क्या करना है। अच्छा जी, हमारी फ़िश को पकते हुए हो गए थे 5 मिनट, अब इसमें हम गरम मसाला डालते हैं। मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन 1/2 चाय के चम्मच से ज़्यादा डालूँगी मैं और इसको दोबारा से जो है ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, 3 मिनट गुजर गए हैं तो ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा फ़िश का सालन जो है वो तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा आपको। ये देख सकते हैं आपके कोई भी बोटी जो है इसकी टूटी हुई नहीं है। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने सालन डालना है और करी को आप जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से पानी डालें, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बर वक्त वीडियो को वॉच कर सकें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।